नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर घर वाले कहते हैं कि वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता। कोई व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है तो लोग कहते हैं कि स्नान करने नदी तालाब में ना गए होते तो ऐसा ना होता, हो सकता था उसकी मृत्यु टल जाती। नहीं मेरे भाई, देखिए, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या चाहे किसी की पानी से मृत्यु हो जाए, जहर से मृत्यु हो जाए या फिर उसकी फांसी लगाने से मृत्यु हो जाए या किसी और भी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में आप लोगों ने कई लोगों को कहते सुना होगा कि वहां ना गए होते तो शायद ऐसा ना होता, ये बुरी घड़ी उसके ऊपर से टल जाती। लेकिन दोस्तों, जो निश्चित है वो हमारे साथ होकर रहता है। हम आपको बता दें कि रामचरितमानस के बाल कांड में साफ साफ ये प्रसंग लिखा हुआ है। एक उदाहरण देते हैं आपको कि एक प्रताप भानु नाम के राजा हुआ करते थे और एक बार उनके घर पर बहुत से संत आए, ब्राह्मण आए, वे सभी को भोजन करा रहे थे। लेकिन जो उनका रसोईया था, यानी भोजन बनाने वाला, वो रसोईया एक मायावी राक्षस था। उस मायावी राक्षस ने सभी संतों को और ब्राह्मणों को उनकी थालियों में मांस परोस दिया और संतों ने तथा ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी थाली में मांस है, तो उन्होंने राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि जा, तू सदा के लिए राक्षस बन जा। अब राजा प्रताप भानु अपने मन में विचार करते हैं कि मैंने भंडारा ना किया होता, संतों को और ब्राह्मणों को भोजन ना कराया होता तो आज मेरी ये दुर्गति ना होती, शायद मेरे ऊपर से ये घड़ी टल जाती। वही राजा प्रताप भानु बाद में जाकर रावण बने। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रामचरितमानस में लिखा है कि जो होना है वो हमारे साथ या आपके साथ होकर रहता है, वो किसी भी प्रकार से टलता नहीं है, और जो नहीं होना था वो हमारे साथ कदापि नहीं होगा। जिसकी मृत्यु जहां लिखी है, जैसे लिखी है और जब लिखी है वैसे ही होकर रहती है, चाहे अपने घर के बिस्तर पर या फिर किसी सड़क दुर्घटना के कारण या फिर किसी नदी तालाब के कारण। महाभारत में भीष्म पितामह की मृत्यु जैसे लिखी थी बाणों की शैया पर, ठीक वैसे ही हुई थी। तो जिसकी मृत्यु जैसे लिखी है वो हो रही है, वो पहले से ही निश्चित है, तो इसलिए हमें इस पर शोक नहीं करना चाहिए, इस पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई। दरअसल ये अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये निश्चित मान लीजिए कि ऐसा हमारे साथ होना है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जो सुबह शालिग्राम भगवान का या फिर लड्डू गोपाल जी का नहाने के बाद जो पानी बचता है उसे चरणामृत कहते हैं। जो भगवान की पूजा करके, उन्हें प्रणाम करके, चरणामृत पान करके अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु का अर्थ ये है कि मर गया किसी सड़क दुर्घटना में या पानी में डूबकर मर गया, इसे कुछ लोग अकाल मृत्यु कहते हैं। परंतु शास्त्र कहते हैं कि ये निश्चित है। अगर अकाल मृत्यु होती है तो ये बात बिल्कुल सच है कि यदि समय से पहले अनायास इस प्रकार की मृत्यु हो जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि 80 वर्ष के पहले यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। किसी धुनकारे की अकाल मृत्यु हो गई, पत्नी ने गला दबाकर मार डाला, फिर वो क्या बना? प्रेत बना। जो पुण्यात्मा व्यक्ति मरते हैं उनका क्या होता है? आप लोग स्वामी विवेकानंद को तो जानते हैं, उनकी मृत्यु एक कम 40 वर्ष में हुई थी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता रहा, अपने जीवन में हमेशा पुण्य करता रहा, तो यदि 20 साल का होकर भी वो मर जाता है तो निश्चित ही भगवान के धाम को जाएगा। परंतु जो पापी लोग हैं, हमेशा अपनी जिंदगी में गलत काम करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं तथा अपने माता पिता का अपमान करते हैं और किसी कारणवश उन पापी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित मान लीजिए कि वो अपनी बाकी जिंदगी में भटकेंगे। अभी उनका कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तो वे भटकते रहेंगे।
इसीलिए मेरे दोस्तों, जो उनके नाम से तुमसे पुण्य बन सके, जैसे पिंडदान है, तर्पण है, गया जी है, भागवत गीता का पाठ है, जो आप उनके लिए कर सकें वो आप जरूर करिएगा। ऐसा करने से उनकी आत्मा को काफी हद तक शांति मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।